आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं। मेरा नाम रितु है। तो आज से हमारी हिंदी क्लास स्टार्ट होती है। बस तो हिंदी है क्या, ये पूछना था। किसी को कुछ पता है हिंदी क्यों है, क्या है, किस वजह से है, हिंदी क्या है? कोई आंसर देगा इस बात का? लैंग्वेज हेलो। हेलो हाँ लैंग्वेज जी, जरा जोर से बोलेंगे आप। लैंग्वेज 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 है। ओके। और ये आई कहाँ से, कैसे आई, क्यों बोलते हैं हम, क्यों पढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में। हेलो। अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है, इतना क्लियर है ना? देखो, पहले हिंदी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम हिंदी के बारे में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्यों हम इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं और भारत में यही लैंग्वेज को मेन लैंग्वेज का, मेन भाषा का दर्जा क्यों दिया गया। ठीक है, फिर हम अपने लेसन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले एक भाषा थी जो हमारी प्राचीन भाषा कहलाई थी, उसका क्या नाम था, किसी को पता है इस बारे में? मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आई संस्कृत भाषा, जिसे देववाणी संस्कृत भी कहा जाता था, देवी देवताओं की भाषा। ठीक, समय के साथ साथ उस भाषा को पूरा यूज किया जाता धीरे धीरे। जैसे संस्कृत को छोटे बड़े हर टाइप के लोग यूज करने लग गए, तो उसमें भी चेंजेस आए और वो संस्कृत पाली के रूप में एक नई भाषा का आविष्कार। ठीक, पाली भाषा क्या है, संस्कृत से इजी है बट संस्कृत का ही मिलता जुलता रूप है। उसके बाद समय बदला और लोग भारत में आते गए, मिलते गए, तो पाली भाषा भी जब दूसरे लोगों के टच में आई, बोलचाल में मिक्सअप हुई, तो पाली और संस्कृत को मिलाकर एक भाषा बनी जो कि प्राकृत भाषा, जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, ये जो जब भारत की भूमि में आए थे तो वो प्राकृत भाषा के टच में। ठीक, प्राकृत भाषा क्या थी, बड़े से बड़े विद्वान से लेके कम पढ़ा लिखा इंसान भी बड़े इजी से, आसानी से समझ लेता था। तो प्राकृत भाषा से धीरे धीरे लोग एक दूसरे के संपर्क में आने शुरू किए, धीरे धीरे लोगों ने बोलचाल की बात को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। ऐसे करके करके भारत में देखते देखते तीन भाषाओं का जन्म हो चुका था, संस्कृत, संस्कृत के बाद आई पाली और पाली के बाद आई प्राकृत। लेकिन अभी भी सिलसिला रुका नहीं। जब भारत में आए मुगल लोग, इंग्लैंड से आए अपने अंग्रेज जो थे, और अरबी लोग आए, ईरानी लोग आए, तो उन्होंने भी प्राकृत भाषा के साथ बहुत छेड़छाड़ की। जैसे आप किसी से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उनके कुछ वर्ड्स आप सीख लेते हैं और कुछ उनको अपने वर्ड्स दे जाते हैं। ऐसे करते करते जब प्राकृत भाषा बोलने लगे तो भाषा क्या हुई, बिल्कुल एकदम गिरा हुआ रूप हो गया भाषा का। प्राकृत भाषा जब गिरे हुए रूप में आई तो उसे कहा गया अपभ्रंश। अप मतलब गिरा हुआ, भ्रंश मतलब टुकड़े टुकड़े। जब भाषा का एक लेवल गिर चुका है और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो उन टुकड़ों में से कहीं से आपको हिंदी मिली, कहीं से आपको मराठी मिली, कहीं से आपको मलयाली मिली, ऐसे कर करके आपको अलग अलग छोटी छोटी भाषाएं मिली जिनका मूल रूप संस्कृत पाली और प्राकृत ही है, बट अब वो अलग हो चुकी है, उन्होंने एक अलग दर्जा बना ली। भारत में हिंदी ही सबसे ज्यादा प्रचलित क्यों थी, क्योंकि एक टाइम तक हर व्यक्ति दूसरी भाषा जाने ना जाने लेकिन हिंदी के माध्यम से अपने विचार विमर्श प्रकट कर सकता था, बातचीत कर सकता था, अपने मन की सारी भावनाओं को प्रकट कर सकता था, तब जाके इस हिंदी भाषा को मेन भाषा का दर्जा दिया गया। वैसे ये हिंदी भाषा 1000 वर्ष पुरानी है। जब हमारे देश का इस हिंदी शब्द का जो मतलब है, सिंधु नदी से आ, एक नदी थी अपने इंडिया में जिसे सिंधु नदी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें सिंधु घाटी का
वर्णन भी है, और सिंधु नदी का। ठीक, उस समय उस नदी के आसपास रहने वाले जो लोग थे उन्हें सिंधु कहा जाता था। और जब यही वर्ड, ये जो सिंधु वर्ड है, ईरानी भाषा से मिला, तब वो हिंदू रूप में प्रकट हुआ। हिंदू से ही बना हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अपने देश का नाम और उसकी भाषा हिंदी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप सभी को? किसी को क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है हिंदी के बारे में? भारत महिमा जो है, भारत क्या है, कोई बताएगा? इंडिया हाँ बोलो। इंडिया इंडिया। और कुछ? एक देश हमारी है, कंट्री। हाँ, जगह है। एक देश है, एक जगह है। और महिमा, भारत महिमा का मतलब क्या हुआ? ठीक है, एक देश है, एक जगह है। ठीक, भारत का मतलब हमारा देश, और महिमा का मतलब उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी बड़ाइयां है, क्या उसकी क्वालिटीज है, क्या उसके गुण है, ये सब। ठीक, तो ये हमारी पहली रचना जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, छायावादी कवि है और बहुत सुपर डुपर हिट, एक टाइप से कवि है, एक टाइप इनको कह सकते हैं। इनकी एक एक रचना अपने आप में ही नंबर वन रह चुकी। ठीक है, आपने के पास में लिखी हुई इनकी रचनाएं भी, झरना आंसू लहर कमायनी वगैरह वगैरह, आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने भारत के बारे में, देखो भारत इंडिया जो है अपना, उसके बारे में हर इंसान की अपनी एक अलग सोच है। तो जयशंकर प्रसाद की नजर में भारत क्या है, उसके बारे में जन सुनते हैं, आज पढ़ते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उगा, ने बस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। हीरा खार मतलब हीरो का। देखने मजे की बात है, आंगन किसे कहते? हमारे घर में, हर घर में मोस्टली एक छोटी सी जगह होगी, चार पांच कमरों के बीच में, दो तीन कमरे या जो भी है, उन चारों कमरों के बीच में एक खुला एरिया होगा, उसे कहते हैं आंगन। मोस्टली आप दिवाली, होली, हर कोई त्योहार, किसी के आने जाने पर आंगन की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि आप अतिथि को भी सत्कार करेंगे, आंगन पे बैठाएंगे। ठीक, दिवाली होली जैसे त्योहार भी खेलेंगे तो आंगन में जाके खेलेंगे, कमरों में नहीं खेलते। मम्मी ये नहीं कहेंगे बेडरूम में जाके खेल लो या ड्राइंग रूम में जाके खेल लो, नो, आंगन में खेलेंगे। तो आंगन का आपके घर में विशेष महत्व है। तो अब हमारे भारत, मान लो एक घर है, तो उस घर का आंगन कौन है? हिमालय। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे। अब यहाँ पे कह रहे हैं, उषा ने हस्त अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। सूर्य जो है, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारा भारत भूमि है, उसमें हिमालय क्या है, एक आंगन के रूप में, आंगन मेन हिस्सा हमारे देश का, उसे हिमालय का नाम दिया गया। सूर्य ने किरणों का दे उठा, और सूर्य ने क्या किया है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य ने अपनी किरणों से उसे उपहार दिए। छोटी छोटी किरणें, जब जैसे सूर्य उदय हो रहा है, तो हिमालय क्या है, कल्पना करो कि चारों ओर पर्वत है, पर्वत पर बर्फ गिरी हुई है, और यहाँ से सूर्य उदित हो रहा है, तो जैसे सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं, तो बर्फ भी क्या होती है, शाइन होती, चमक आती। ठीक, और पहाड़ एकदम जगमगाने से, सेम वही कंडीशन बताई गई है। हिमालय धरती के, भारत भूमि के हिमालय को आंगन के रूप में दिया गया है, आंगन का रूप बताया गया है, और जिस पर सूर्य अपनी किरणों का उपहार या तोहफा प्रकट कर रहे हैं, किरणों से उसको संबोध, आई मीन प्रसन्न कर रहा है, तोहफा दे रहा है। उषा ने हस्त अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। उषा जो किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, उसे उषा का नाम दे के, या सूर्य की किरणें उसे हंसकर अभिनंदन कर रही है। जैसे कि आप दो जने एक दूसरे से जब मिलते हैं, तो पहले क्या होता है, एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद स्माइल करते हैं, हंसते हैं, उसके बाद आपकी बातचीत जारी होती है। वैसे ही जैसे ही सूर्य हिमालय की ओर देखता है, तो उसने उषा अपनी किरणें दिखाकर उसका हंसकर अभिनंदन किया है कि हे हिमालय, तुम धन्य हो, और पहनाया हीरा खार।
उसे हीरो का हार पहना। हीरो का हार मतलब कोई रियल में हीरे नहीं दे देता है इंसान को। हिमालय के ऊपर जो फूल पत्तियां पेड़ पौधे जहां पर हर जगह ओस ओस पड़ी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है, जब वो बर्फ क्या है सूरज के टच में आती है, उसकी रोशनी के टच में आती है, तो उसकी किरणों की वजह से उसमें चमक सी आ जाती है। एक एक बूंद पे, ओस की एक एक बूंद पे चमक आ जाती है। तो कह रहे हैं कि सूरज के प्रकाश से जो ऐसा लग रहा है कि सूर्य ने अपने प्रकाश चारों ओर हिमालय के आंगन में बिखेर दिया है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य उसको हंस के अभिनंदन कर रहा है, उसको प्रणाम कर रहा है, और उसकी किरणों का प्रकाश ऐसा लग प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो हीरो का एक हार हिमालय के गले में पहना दिया गया है। ठीक, इतना समझ में आया आप सबको? क्लियर है? फिर से समझा दो, ऐसा बोल दो क्योंकि मेरे को भी सही लगेगा, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। जगे हम लगे जगाने विष, लोक में फैला फिर आलू, प्योंतम पुंज हुआ तब नस, अखिल संस्कृति को उठी अश्रु। जगे हम मतलब इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले आप जरा नोट कीजिए, दुनिया को अगर आप नॉलेज में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो सबसे पहले अगर विश्व में, दुनिया में अगर कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो भारतवर्ष से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे कह रहे हैं जगे हम लोग जागरूक हुए, हमारे देश में ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर जन्म लिया, इस भूमि में रामायण और महाभारत जैसे महान काव्य लिखे गए, यहीं से शून्य मतलब जीरो का आविष्कार हुआ। तो मतलब जगे हम यानी कि हमारे पूरी दुनिया में सबसे पहले इस भारत भूमि पे ही लोगों को जागरूकता आई, लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ था लगे जगाने विश्व। और इस ज्ञान को प्राप्त हो करके ये नहीं कि हमने बटोर के रखा, नहीं, हमने इस ज्ञान को चारों ओर बांटने के लिए हम विश्व जगाने के लिए चले गए, यानी कि जगह जगह जाकर अपने ज्ञान को बांटने लगे। आप देखिए जो पुराने लोग थे, मतलब गुरु नानक जी भी थे, तो वो पाकिस्तान तक जाकर अपना ज्ञान बांट के आए थे। तो महात्मा बुद्ध भी बाहर जाकर विदेश में जाकर अपना ज्ञान बांट के आए थे। इसी तरह से हमारे स्वामी विवेकानंद भी विदेशों में जाकर ज्ञान बांट रहे थे, भारत में तो बांटा बांटा विदेशों में भी। तो यही बात है कि जगे हम पहले ये देश जागृत हुआ, सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति की, और उसके बाद अपने ज्ञान को विश्व तक फैलाने के लिए चल पड़े। लोक में फैला फिर आलोक, अब चारों तरफ जो आलोक, जो चारों तरफ गहना अंधकार का, अंधकार सिर्फ लाइट बंद होना अंधकार नहीं होता, अंधकार मतलब ये भी होता है कि इंसान की आंखें खुली हैं फिर भी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, मतलब अज्ञान का अंधकार। तो लोक में फैला फिर आलोक, तो ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार को दुनिया से खत्म करने के लिए हम लोगों ने लोक में फैला फिर आलोक, फिर दुनिया में प्रकाश का ज्ञान फैलाया, या ज्ञान रूपी प्रकाश को चारों ओर फैलाया। व्योमतम पुंज हुआ तब नस, अखिल संस्कृति को उठी अशोक। व्योमतम पुंज जो अज्ञान रूपी अंधकार था, जैसे लोग ज्ञान के संपर्क में आने लगे वैसे ये अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म होने लगा, और चारों ओर खुशहाली आने लगी। चारों ओर दुख की जो किरण थी, अज्ञानता से भी जो दुख उत्पन्न हो रहा था वो धीरे नष्ट होने लगा। क्लियर है आप लोगों को? इतना सा। विमल वाणी ने वीणा ली, कोकल कमल कोमल कर में संप्रीत, तब स्वर तब सिंधु में दे छिड़ा तब मधुर सामगीत। अब सामगीत का संगीत का मतलब क्या है? हमारे देश के जो वेद है, वेदों के बारे में कुछ नॉलेज है आप सबको? वेद ना, इस वर्ड को आपने कभी, संस्कृत के चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पर साम संगीत का मतलब है साम वेद से है। साम वेद एक ऐसा वेद है जिसमें हर चीज जो है सॉन्ग के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से गाई गई है। आपने कभी ध्यान दिया हो, माता जो सरस्वती है उनके हाथ में एक वीणा होती
वो वीणा का क्या करती है, म्यूजिक गाती है उसमें, टेल मी, कोई बोल सकता है? जो माँ सरस्वती है उनके हाथ में एक वीणा रहे, उसका मतलब क्या था कि आज हम पढ़ाई का मतलब बुक्स ले लेते हैं, जबकि पढ़ाई का मतलब बुक्स से कभी था ही नहीं। प्राचीन काल में अगर किसी को कुछ पढ़ाना है तो बस सॉन्ग के माध्यम से पढ़ा दिया जाता था। तो जो सामवेद है, ठीक, वो पूरा संगीतमय है। संगीत जो म्यूजिक भी है वो सामवेद से आए हैं। आप जैसे पहले के टाइम में देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे टू का टेबल होता है, हम जब बचपन में पढ़ते थे तो आप टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ऐसे करके याद करते हैं, रट्टा मारते हैं। ठीक, हमें हिंदी में कैसे पढ़ाया जाता? दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तीन छः, दो चौका आठ, मतलब एक सॉन्ग, एक सॉन्ग बन गया तो आपको कंटिन्यू सारी जिंदगी वो चीज याद। आप म्यूजिक नहीं भूल जाते, आप लेसन भूल जाते। सेम वही बात है, विमल वाणी ने वीणा ली, कर कमल कोमल कर में संप्री। अब विमल वाणी ने वीणा ली माँ सरस्वती को, यही एक ऐसा भारतवर्ष देश है, देश है जहाँ माँ सरस्वती ने अपने कमल, कमल जैसे कोमल, कोमल सॉफ्ट, ठीक, कर मतलब था, कर में वीणा को धारण किया। यही भारत भूमि ऐसी है जहाँ माँ सरस्वती ने ज्ञान प्रदान करने के लिए जन्म लिया, अपने कोमल कमल रूपी कोमल हाथों में वीणा को धारण किया। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। अब सप्त सिंधु का मतलब क्या है, यहाँ पे सात समुद्रों से, सिंधु मतलब समुद्र, यहाँ पे लिया गया। सात समुद्रों में सात सप्त स्वर उठे। जब आप मान लो मंथन, समझे मंथन क्या होता है, समुद्र मंथन हुआ था एक समय में, एक समय में दैत्य और दानव दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी अमृत को लेकर। ठीक, तो उस समय समुद्र को मथा गया था, तो उसमें से सातों समुद्रों का जब मंथन हो रहा है तो वहां सप्त स्वर उत्पन्न होते। सेम वही कंडीशन बताई गई है कि यही पावन भूमि भारत की है जहां पर माँ सरस्वती ने अपने कोमल कमल जैसे कोमल हाथों में वीणा ली ज्ञान प्रदान करने के लिए, और सातों समुद्रों में सातों स्वरों को उत्पन्न की, और साम वेद के माध्यम से ज्ञान को प्रकट की। ठीक है, चारों ओर ज्ञान को फैला दी। क्लियर है? आप बच्चों को एक भी ऐस कह दे तो मुझे समझ आ जाए, मैं आगे पढ़ती हूँ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर तू, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर पर तू। अब विजय यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत में कभी भी हमने विजय लोहे से प्राप्त नहीं की। लोहे मतलब शस्त्र, शस्त्र मतलब कि अपना तलवार हो गया, भाले, कुल्हाड़ी, मारने काटने की चीजें हैं। कभी भी हमने भारत भूमि पर शस्त्रों से विजय प्राप्त नहीं, हमने यहाँ पर शास्त्रों से, मतलब शास्त्र मतलब पढ़ाई लिखाई और वेदों से ही विजय प्राप्त की। हमेशा यहाँ पर धर्म की धरा रही, की रही धरा पर तू। यहाँ भारत की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ पर सदैव धर्म की महत्ता रही है, धर्म की ही धूम जय जयकार रही है। यहाँ पर लोहे मतलब, लोहे मतलब शस्त्रों से कहा गया कि यहाँ पर कभी भी हमने विजय का मतलब शस्त्रों से ना लेकर शास्त्रों से लिए। शास्त्र मतलब आपके वेद हो गए, ज्ञान हो गए, सनातन धर्म हो गया, और यहाँ पर हमेशा धर्म की रही धरा पर तू। इस भारत भूमि में हमेशा धर्म की जय जयकार रही है, प्रभु महाराज इन सभी की ही पूछ रही है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर को। अब यहाँ पर, यहाँ की इतनी पावन भूमि है कि सम्राट होते हुए भी जो राजा महाराजा सम्राट है वो भी एक भिखारी की तरह अपने हृदय की दया के भावना के कारण घर घर घूमकर ज्ञान को बांटते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, जो हमारे गौतम बुद्ध, सॉरी सॉरी मेरे दिमाग से निकल, गौतम बुद्ध हो गए, स्वामी वर्धमान हो गए, ये सब लोग क्या थे? सम्राट युग में थे, राजा महाराजाओं के बच्चे थे। ये चाहते तो राज्य कर सकते थे, साम्राज्य जीत सकते थे, सारी जिंदगी ऐशो आराम में जी सकते थे, पर
लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध को अपने अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने वो सब का त्याग करके भिक्षुक बन के रहे। कितने समय तक उन्होंने भिक्षा प्राप्त की, कितने समय तक उन्होंने कष्ट ग्रहण किए, त्याग किया, कितनी प्रार्थनाएं की, तपस्याएं की, पर जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो हर जगह जा जाकर अपने सौ हृदय की वजह से अपने ज्ञान को बांटते रहे। तो बात कह रहे हैं कि यहाँ पर तो ऐसी महान भूमि है कि यहाँ का सम्राट भी राजपाट का लालच ना करके भिक्षुक बनकर अपने हृदय के दया भाव के कारण घर घर घूमकर ज्ञान को बांटता है। इतनी ये पावन भूमि हमारी भारत माँ भूमि है। ठीक है, गोरी होती या दया का चीनी को मिली धन की खुशी, मिला था स्वर्ण भूमि को रूप शील की सिंहल को भी सिंह। अब यहाँ पर सिंहल का नाम क्या है, सिंहल मतलब श्रीलंका। गौरी का नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को कोई समझता है कौन है मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी जैसे हमारे भारत में बहुत से आक्रमणकारी आए थे पहले के टाइम में, जिन्होंने धीरे धीरे बाहर से आ आकर भारत पर आक्रमण किया। एक समय भारत जो था सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन बाहर से आक्रमणकारी आते हमारे देश को लूटपाट के चले जाते, खूब खून खराबा, मार कुटाई सब कुछ होता था, उसमें मोहम्मद गोरी का भी नाम। तो ये भारत भूमि जो मोहम्मद गोरी के आक्रमणों से ध्वंस हो चुकी थी, मतलब पूरी तरह से घायल थी, फिर भी इतने महान भारतीय कि उसको भी दया का दान दे दिया, उसको भी एक बार को छोड़ दिया, दया दिखाकर छोड़ दिया। ऐसे भारत भूमि भारतवासी थे जिन्होंने दया करके एक आक्रमणकारी को भी छोड़ दिया जिसने उसका हमेशा नुकसान किया। चीन को मिली धर्म की खुशी, यही भारत भूमि है, पावन भारत भूमि है, जहाँ से हमारे पड़ोसी मुल्क पड़ोसी थे चीन को भी धर्म का ज्ञान मिला। अब मानिए आप राजा अशोक के बारे में सुनिए कि राजा अशोक जो थे एक समय तक इतने निर्दयी राजा थे कि उन्होंने खूब खून खराबा, मार कुटाई सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही वो बुद्ध धर्म में दीक्षा लेते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो सब कुछ त्याग कर शांति का भाग। जब उनका इतना हृदय परिवर्तन हो गया तो उन्होंने अपने बच्चों को भी वही दीक्षा दी। अब इनके बच्चे भी धर्म की नीति पे चलने लग गए। तो एक समय ऐसा आ गया जब अशोक महाराज सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को चीन की ओर रवाना किया कि भाई आप चीन में भी जाकर धर्म का प्रचार करो। तो ऐसी भारत भूमि है जहाँ मतलब आक्रमणकारी हो या एक विदेशी मुल्क हो जो हमारे साथ कितना छल कपट करते हैं, हम उसको भी माफ कर देते, इतनी दया भावना हम भारतीयों के हृदय में रहती है। या भारत भूमि इतनी महान है कि यहाँ पर आकर हर इंसान का पाप मिट जाए। ठीक है, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न शील की सिंहल को भी सृष्टि। इस तरह से हर भूमि को, हमारी भारत भूमि इतनी महान है, हमारा भारत देश इतना महान है जिसने अपने हृदय का स्वर्ण मतलब सोना, सोना मतलब ज्ञान, ज्ञान रूपी सोने को भी चारों ओर फैला दिया, शील की सिंहल को भी सृष्टि। शील और सिंहल, अब यहाँ पर क्या है, श्रीलंका जैसे देश को भी इन्होंने ज्ञान प्रदान किया, वहां पर भी जाकर धर्म की नीति समझाई, चारों ओर धर्म को पहुंचाया। किसी का हमने छीनना नहीं, प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी भारत भूमि पवित्र है, यहाँ पर प्रकृति ने हमें कितना कुछ दे रखा है। अब देखो किसी देश में सिर्फ ठंड रहती है, किसी देश में नीरी गर्मी रहती है, दो या तीन ऋतुएं आती है, जबकि भारत भूमि ऐसी है जहाँ पूरी 6 ऋतुओं का आना जाना लगा रहता है। कभी धूप है, कभी गर्मी है, कभी ठंड है, कभी कैसा समय आ रहा है, हर टाइप से हमें प्रकृति का हर उपहार है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हर टाइप के हैं। तो यहाँ पे कह रहे किसी का हमने छीना नहीं, यह भारत भूमि इतनी धन्य है, इतनी प्राकृतिक संस्थाओं से भरी हुई है, संसाधनों से भरी हुई है कि हमने किसी का नहीं छीना।
हमें यहाँ से ही बहुत कुछ प्राप्त हो गया। प्रकृति का रहा पालना ही, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए पालने झूले में लिटाती है कि बच्चा कहीं से भी गिरे नहीं, सुरक्षित रहे, वैसे ही यह भारत भूमि प्रकृति का पालना समान। ठीक, प्रकृति ने भारत भूमि को एक पालने के समान रखा हुआ, अपने जैसे एक माँ अपने शिशु को, अपने छोटे बच्चे को पालने के अंदर रखती है, वैसे प्रकृति ने भारत को पालने की भांति रखा हुआ है, छोटे से बच्चे के जैसे रखा हुआ है। और जैसे माँ अपने बच्चे को हर पौष्टिक भोजन देती है, वैसे प्रकृति ने इसको हर अच्छी संसाधन प्रदान। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, अब यही हमारी जन्मभूमि। जैसे कि विदेशों से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं, यहाँ पर ये बात कही गई है कि हम कहीं से नहीं आए, हम भारतीय हैं और यही भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है। हम कहीं से नहीं आए, अपितु लोग ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमारे देश में समय समय पर आए। ठीक, चरित्र थे भूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को दे ना सके। चरित्र थे भूत, ये भारत भूमि इतनी संपन्न है कि यहाँ पर जन्मे एक एक पूत, पूत मतलब पुत्र, एक एक पुत्र चरित्रवान, इनका मतलब इनका गुड करेक्टर था। एक भुजा में शक्ति और चरित्रवान होने के साथ साथ उनकी भुजाओं में भी इतनी ताकत थी कि वो अपने भारत के लिए कुछ भी करने के लिए सक्षम थे। आप कभी भी, आजकल जैसे छुट्टियां भी हैं या पढ़ाई भी है, मोबाइल टीवी टीवी सब कुछ देखते हैं, आप यूट्यूब में जाकर एपिक चैनल डाउनलोड कीजिए या उसको क्लिक कीजिए, तो वहां पर एक काला पानी करके अगर आप डालेंगे तो वहां पर आपको एक सीरियल आएगा जहाँ पे काला पानी के बारे में। ठीक, उसमें क्या है, जैसे कि भुजा में शक्ति, यहाँ पर मतलब चलता है कि हमारे देश में इतने आक्रमणकारी आए कुछ है। ठीक, लेकिन हमारे देश के लोग थे जो इस भूमि के लिए मरने मिटने के लिए थे। आप देख लीजिए टोपी वाले कौन थे, चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए। ठीक, कितने ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी यंग एज भी छोड़ दी, जैसे आप लोग यंग एज में हैं आज, आप लोग कितनी मजे मस्ती सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ भारत भूमि रहती थी। पुरानी पिक्चरों को देख लो तो आपको समझ में आएगा कि लोगों के मन में सोच क्या चलती, भारत के लिए कितना प्यार था। अब जो मैं काला पानी की बात कर रही हूँ, वहाँ एक ऐसी जगह है अंडमान निकोबार में, जहाँ पर अंग्रेजों ने एक ऐसी जगह बनाई कि जो देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उसको काला पानी भेज देते, मतलब अंडमान निकोबार भेज देते, वहीं पे मरो खड़ो गलो। लेकिन लोगों में इतनी शक्ति थी, जहाँ में इतनी शक्ति थी, मतलब हाथों में, मन में, इरादों में इतनी शक्ति थी, वो देश के लिए मरने मिटने को तैयार थे, लेकिन अपने देश को, अपनी भारत भूमि को आजादी के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो यहाँ पे वो बात कही गई, चरित्र थे पूत, जो भारत माता में, भारत भूमि में जन्मे व्यक्ति हैं, उन चरित्रवान, कभी भी बैठ कर किसी का भी नहीं है, भुजा में शक्ति और मन में, भुजाओं में, भुजा मतलब हाथों में उनकी शक्ति भरी हुई है, कोई भी काम करने से कभी नहीं घबराते, हर काम करने के लिए सक्षम है, नम्रता रही सदा संपन्न, इतना सब कुछ होने पर भी उनके हृदय में सदैव नम्रता बनी रही। अब देखो, कभी नोटिस करना, WWF देख लो, जरा सा बॉडी बिल्डर क्या हो जाए, इंसान किसी को भी कूटने में लगा रहता है। ठीक, मतलब अगर आपके हाथ में पावर आ गई, आपके आगे नम्रता चली गई हृदय की। लेकिन ना, आप देखो कितने मजे की बात कह रहे हैं कि भारत भूमि है जहाँ के जो पुत्र हैं वो चरित्रवान तो हैं, उनकी भुजाओं में शक्ति भी है, हौसले भी हैं, सब कुछ होने के बाद भी हृदय में नम्रता है, सबके लिए प्रेम भाव, हृदय के गौरव में था गर्व, और अपने हृदय में सदैव मातृभूमि या भारत भूमि के लिए गर्व महसूस करते थे। किसी को देख ना सके विपन्न और किसी को भी खिन्न मतलब दुखी नहीं देख सकते थे, ऐसा मैं क्या कर दूं जिससे कि उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाए, उसकी जिंदगी में सुख आ जाए, ये भाव रहते थे।
ये थे पहले के भारतीय, और आज के भारतीय तो ऐसे हैं नहीं, बट पहले के जयशंकर प्रसाद है, तो उन्होंने जैसी देखा वैसा वो अपना विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी। अब देखो हमारे संचय में था दान, आप किसी ने महाभारत सुना है, पढ़ा है, समझा है, कार्टून्स में ही देख लेते हैं। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, महाभारत नो बोल दो अगर नहीं देखा तो। देखो हमारे संचय में था दानवीर कर्ण के बारे में सुना, महाभारत का एक मेन करेक्टर। बेटा कभी भी खाली बैठे हो, कार्टून नेटवर्क के महाभारत देख लो, सबसे बेस्ट, बहुत जल्दी समझ आने वाली चीज। ठीक, आप बच्चे अगर इतना भी अपने देश के इतिहास को जान सकेंगे, रामायण महाभारत थोड़ा बहुत सीखो, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज थी, पुराने लोग कैसे थे। ठीक, हमारे पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं कि आपकी पुरानी बातें पता चले, उनसे सीख सके, क्या पता उनको भी ना पता हो, तो थोड़ा बहुत इन चीजों को नॉलेज में रखो। तो हमारे संचय में था दान, दान के नाम पर एक सबसे बड़े महावीर का नाम आता है, महावीर कर्ण। कर्ण कौन थे? महाभारत का एक सुपर डुपर हिट करेक्टर थे कर्ण, बहुत से लोग उनको दिल से सैल्यूट करते हैं, उनकी बहुत बुरी स्टोरी है, बट उनमें एक खासियत इतनी बढ़िया थी कि वो कितने भी अमीर क्यों ना थे, कितना भी संपन्न सम्राट क्यों नहीं था, राजा क्यों नहीं था, लेकिन उसकी रोज की एक नियम था कि वो सुबह उठ के नहा धो के भगवान सूर्य को प्रणाम करके अपने सामने जितने भी भिक्षुक खड़े हैं उन सबको वो सब कुछ देगा जो उसके हाथ में, या जो सामने वाला मांगना चाहता है। दान दे दो, जिसको जो चाहिए वो ले। तो दानवीर कर्ण नाम क्या उसका, दानवीर कर्ण। ठीक है, हमारे संचय में था दान। अब यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए कहे, ये भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ यदि किसी ने संचय, संचय मतलब इकट्ठा किया, अगर धन भी इकट्ठा किया है तो वो दान के लिए इकट्ठा, या दूसरों को देने के लिए इकट्ठा किया। अतिथि थे सदा हमारे देव, और अतिथि, अतिथि मतलब मेहमान, मेहमानों को सदैव इस भारत भूमि में देवताओं का दर्जा दिया गया। देखो पहले के टाइम में कहते थे अतिथि देवो भव, अतिथि क्या है, देवताओं के समान है, पर आज मुंबई में अतिथि क्या है, परेशानी का कारण है। ठीक है, छोटे छोटे घर है, कैसे अतिथियों को मैनेज करोगे। ठीक, अतिथि सदैव हमारे लिए भगवान, मानव हमेशा भगवान के रूप में माना जाता था, वचन में सत्य, और हमारे भारतीयों के वचन क्या, ये भारत भूमि इतनी महान है कि यहाँ पे रहने वाला एक एक व्यक्ति का जो वचन है वो सत्य रूप पर, सत्य से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल की रीति यही, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल मतलब भगवान राम का जो कुल है उसको कहते हैं रघुकुल, और वहां पर भी कहा जाता है कि भगवान राम भी सत्यवत इतने थे कि भाई मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जो थे वो सत्यवान थे, उन्होंने जो जिंदगी में बोला वो सत्य बोला। महाभारत का मेन करेक्टर जो था युधिष्ठिर, वो भी सत्य के प्रवचक थे, हमेशा सत्य बोलते थे। तो वचन में क्या थी, सत्यता थी, हमेशा सत्य बोलते थे, सच बोलते थे, हृदय में थे। और देखो अगर आप किसी से सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो, कोई कपट नहीं करते हो, कोई छल नहीं करते हो, तो आप अंदर से अपने आप ही कॉन्फिडेंस में रहोगे। ठीक, तो भारत भूमि में जन्मे हुए एक एक व्यक्ति के वचन में क्या थी, सत्यता, सच का, सच के साथ रहते थे, हृदय में भी तेज था, यानी कि अपने आप में ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त था, प्रतिज्ञा में रहती थी तेज, और उनकी प्रतिज्ञता, प्रतिज्ञा मतलब यदि वो किसी चीज को मान ले तो वो करके रहते थे, उनके हमेशा अटल वचन रहते थे, ये बात इसमें कही गई है। ठीक, वही है रथ, वही है तेज, वही साहस है, वैसा
वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य सत्य। हम ये कह रहे हैं कि वही रक्त, ये भारत भूमि में जन्मे हुए जो बच्चे हैं, ठीक, उनका भी वही रक्त है जो हमारे प्राचीन पुरुषों का था। जितने प्राचीन पुरुष महान थे, उतने ही आजकल के बच्चे भी महान है। आज भी हमारे, मतलब कहते हैं ना कि हमारी कोशिकाओं में उन्हीं का रक्त बह रहा है, या हमारे नाड़ियों में, या जो भी हो, हमारे खून, हमारे शरीर में उसी का खून बह रहा है। सेम वही वाली बात है, वही है रक्त, वही रक्त हमारे धमनियों में बहता जा रहा है, वही है देश। ये देश आज भी वैसे का वैसा ही, वही है साहस, वैसा ही साहस, वैसा ही हौसला हमारे अंदर आज भी है, और वैसा ज्ञान, वैसा ही ज्ञान आज भी हमारे हृदय में राखो, वैसा ही ज्ञान हमारे हृदय में। वही है शांति, शांति की भाव भी वैसे के वैसे ही है। पहले जैसे लोग शांति चाहते थे, वैसे ही आज के लोग भी शांति चाहते हैं। वही है शक्ति पहले के लोगों में। हेलो, सबको समझ आ रहा है ना? हेलो हेलो, ओके ओके, मैं पढ़ाऊँ ना, कंटिन्यू करो ना। ओके, वही है शांति, जैसे पहले लोग शांति चाहते थे, वैसे ही आज के टाइम में भी शांति चाही जाती है। वही है शक्ति, जैसे पहले लोगों की भुजाओं में शक्ति थी, वही शक्ति आज भी भारत भूमि में जन्मे हुए एक एक व्यक्ति में आज भी है। वही हम दिव्य आर्य संतान, हम पहले की ही दिव्य आर्य संतानों के समान ही आज भी हम वही आर्य संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस हमारा प्यारा पावन। अब वो कह रहे हैं, अब ये सब कुछ कहकर जय शंकर प्रसाद लास्ट में कह रहे हैं, जैसे भी भारत भूमि है जिसमें हमने जन्म लिया है, तो हम इसी के लिए जी, सारी जिंदगी इसी का भला करें। जिए तो मतलब सिंपल सी बात है, हम जी तो है ही रहे हैं, ठीक, लेकिन जिए तो किसके लिए जिए? कि हम, हमारी सोच में हमेशा ये रहे कि हम कैसे इस कंट्री को आगे लेके जा सके, कैसे इस कंट्री में रहने वाले एक एक इंसान का भला हो सके, कैसे हम इस कंट्री में रहने वाले एक एक इंसान की मदद करके उसका जीवन खुशहाल कर। जिए तो सदा इसी भारत भूमि के लिए जी, अभिमान रहे यह हर्ष, यही हमारे अंदर अभिमान रहे कि इसको, जो भी इसके पास है, हर इंसान में अपना एक टैलेंट होता है। ये तो हमारा देश है जिसमें इतना सब कुछ है, तो ये हमारा अभिमान बने, इसकी वजह से हमारा नाक न कटे, हमारा अभिमान बने, और हमारे अंदर सदैव ये खुशी रहे कि हम इसके लिए, इस भारत भूमि के लिए अपना सब कुछ सौंप दे, निछावर कर दे, यही हमारा पहला भारत देश है। देखो, एक बच्चा है, छोटा बच्चा कहेंगे, आपकी एज का बच्चा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोग अब थोड़े से स्वार्थी हो गए, आपको फ्रेंड्स भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कुछ चाहिए, थोड़ा सा मम्मी पापा को इग्नोर करने लग जाते हैं ये एज के बच्चे, है ना। बट एक छोटे बच्चे को देखो, जब वो चलना सीख रहा है, जब वो बोलना सीख रहा है, अपने आसपास के इस माहौल को जरा प्लीज ऑब्जर्व करना, उसके लिए सब कुछ, सारी दुनिया उसकी एक माँ, ठीक, क्योंकि माँ ही उसे खाना खिलाती है, बोलना सिखाती है, तो उसमें पॉटी नहलाना धुलाना सब कुछ वो करती है। तो वो बच्चे का सारा समर्पण किसके प्रति है? एक माँ के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, आपकी एज में आके थोड़ा सा सेल्फिश हो गया, और बड़ा होते होते हुए पूरा सेल्फिश हो गया, भाई माँ गई, हमें कोई मतलब, ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप जरा देखो, हम एक माँ के लिए ऐसा कर, ठीक, जिसने आपको जन्म दिया, वो तो एक साइड कर। अब ये भारत भूमि को देख लो, जहाँ आपने शुरू से पहला कदम से लेके अंतिम कदम तक इसकी धरती पे रखोगे, यहीं सांस लोगे, यहीं का खाओगे पियोगे, सब कुछ करोगे, थोड़ी तो वफादारी इसके प्रति भी रखोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे? इसलिए इतनी बड़ी सारी कविता जयशंकर प्रसाद ने लिखी, कुछ समझ आया इसके बारे में कि नहीं?
अब जरा स्पीकर ऑन करके जरा कुछ बोल। समझ में आया क्या कुछ भी जो पढ़ाया मैंने? पक्का हाँ, अच्छे से समझ आया। आया? यस मिस। ओके, किसी और को कुछ डाउट है? डाउट नहीं दिए तो प्लीज समझे तो मुझसे बात तो करो। मिस अंशिका सिंह। यस मिस मिस वो हाँ जी। लास्ट मिस में है ना, वही है रक, वही है देश, हाँ जी, ये मिस फिर से वो नहीं समझाऊं? समझा। ओके यस ओके, थैंक यू सो मच, कम से कम पूछा तो। चलो अब प्लीज मेरी क्लास, आप मुझसे बात कर सकते हो, जो आपको समझ में ना हो वो आप मुझसे 10 बार पूछ सकते हो, मैं वैसे ही समझू। ठीक है, अब इसमें कह रहे वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा गुण। मतलब ये कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद, देखो जयशंकर प्रसाद भी कोई कल के जन्मे हुए नहीं है, ठीक, ये भी पुराने इंसान है, लेकिन पुराने इंसान से भी पुराना एक समय था जो भारत का था। ठीक है, तो वो कह रहे वही है रक्त, ये जो रक्त है, रक्त मतलब होता है खून, जो पहले के भारतवासियों का खून था वही आज के भारतवासियों का भी खून। खून मतलब खून तो रेडी होता है, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन खून का मतलब है हौसला। आपके डीएनए, डीएनए जैसे माँ बाप के डीएनए एक बच्चे में जाता है, तो मम्मी पापा की हरकतें किसमें मिलती हैं? बच्चे में मिलती हैं। दादा दादी भी कितने खुश होके कहते हैं ये तो मेरा पोता है भाई, इसकी हरकतें और मेरी हरकतें सेम। ठीक है, तो वो कह रहे वही है रक्त, पहले के जो महावीर योद्धा थे भारत भूमि में जन्मने वाले, वही उनके ही बच्चे हैं जो आज के लोग जी रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना, हम लोग आर्य पुत्र हैं, आर्य की संतान है, तो कह रहे इनकी शरीर में भी वही खून बह रहा है जो पहले के लोगों में बहता था, यानी कि पहले भारतीयों में खून बहता था, वही खून हमारे अंदर भी बह रहा है, वही है देश। और ये भारत भूमि जैसे पुराने लोगों की भारत भूमि थी, वैसे ही आज इनकी भी भारत भूमि उतनी, जैसे आपको आपकी माँ से प्यार है, वैसे ही भारत के हर बच्चे को अपनी माँ से प्यार है, वही खून उनमें है तो वही खून हम में भी है, वही साहस है, जैसे पुराने लोगों में महान वीर योद्धाओं में साहस था, वैसा ही साहस आज भी भारतीयों के हृदय में है, जैसा ज्ञान पहले के महान योद्धा विद्वानों में था, वही ज्ञान आज की पीढ़ी के लोगों में भी है, वह भी जो प्राचीन काल के लोग थे, प्राचीन भारतीय लोग थे, वो भी शांति चाहते थे, और आज का भारतीय भी शांति की ही कामना करता है, वह वही है शक्ति, जैसे प्राचीन योद्धाओं में भारतीय योद्धाओं के अंदर शक्ति थी, वही शक्ति वही हौसला आज के भारतीयों में भी है, वही हम दिव्य आर्य संतान, हम उन्हीं की ही आर्य संतान है जो हमारे प्राचीन योद्धा विद्वान शक्तिशाली लोग थे, हम उन्हीं आर्य संतान है, उन्हीं आर्यों की ही संतान है, पहले के जो लोग होते थे भारतीयों को आर्य कहा जाता था, हम उन्हीं आर्य सनातन लोगों की ही संतान है, यानी कि बच्चे हैं। क्लियर हुआ? बोलो बोलो, क्लियर हुआ? यस मिस। और कोई, किसी को कोई डाउट? डाउट है तब भी बोलो, नहीं है तो सीधे नो भी बोलो। चलो अच्छा, कौन कौन है जरा क्लास में बोलो, अपना थोड़ा सा परिचय दो। कोई बोलेगा? आकांक्षा कौन है? आकाश, अंशिका, दर्शन, द्विशा, ज्योतिका, जॉनसन, आप सभी हैं? हेलो क्लास, सभी हो? हाँ चलो अब यस मुझे मुझे कुछ आंसर दोगे, अगर मैं पूछूं कुछ आंसर दोगे? बोलो बोलो बोलो। कवि का यस नाम क्या? हाँ, कवि का नाम क्या? जय शंकर प्रसाद। जय शंकर शंकर प्रसाद प्रसाद। जय शंकर प्रसाद। ठीक, प्रसाद।
जय शंकर प्रसाद ने इस कविता में आंगन की भूमिका किसको दी है? हिमालय हिमालय के आंगन की। हिमालय। हिमालय ये ठीक है, कोई एक जना ही नहीं बोलेगा, सभी बोले। अच्छा, तो हिमालय को गिफ्ट क्या मिला है, उपहार में क्या मिला है? किरण सूर्य की किरणें। और क्या पहना दिया उसको? हीरा हीरा खाल। हीरा खाल मतलब खार, हीरो का हार, हीरो का हार। हीरो का ठीक। हार। अच्छा, अब किसने बोला था ये फर्स्ट हीरा खार, किसने बोला था? मैंने हाँ, आपका नाम? ऋषिका। अच्छा, ऋषिका। अब आप नहीं बोलोगे, अब मुझे ये आकाश चाहिए। हाँ बोलो, आकाश स्पीकर ऑन करो। वो नहीं। अच्छा, अंशिका। यस अच्छा, टीचर। आकाश ने बोला। ठीक है। अच्छा आकाश, ये जरा समझाओगे कि भारतवासी विश्व को कैसे जगाने लगे? भारतवासी विश्व को कैसे जगाने लगे? कोई और जो बात का आंसर दे। चलो चलो जल्दी बोलो। ये बात समझ नहीं आई थी किसी को? बच्चों, आकाश, आकाश, आकाशा बेटा, तन्वी, आपको पता है? अरे कोई आंसर तो दो। और कोई? ज्योतिका, जॉयसन, ऋषा, दर्शन, कोई नहीं बोलेगा? अच्छा यस मिस। हाँ, आप कौन? दर्शन। दर्शन। ओके ओके, दर्शन आता है नहीं आता, आप क्लियर बोलना। विश्व को भारतवासी कैसे जगाने लगे बेटा? किस चीज से जगाने लगे? अखिल संस्कृति। नहीं, वो बात नहीं। और कोई जो बता सकता है, जगे हम कैसे जग गए, किस चीज से जग गए हम लोग? इसमें था जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। मतलब सबसे पहले दुनिया में अगर कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो भारतवर्ष में हुई थी। तो हम लोग अज्ञानता से सबसे पहले जगे, अज्ञान को हटाकर ठीक, हम लोग सबसे पहले जगे। और जैसे ही भारतीयों को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लगे जगाने विश्व, तो विश्व भर में जा जाकर ज्ञान प्रकट करने लगे, बताने लगे। तो हम लोग किससे जगाने लगे विश्व को? ज्ञान से जगाने लगे। किससे जगाने लगे बेटा? बोलो बोलो, किससे जगाने लगे? ज्ञान ज्ञान से। ज्ञान से। वेरी गुड। हाँ, लोक में फिर फैला फिर आलोक। फिर क्या है लोक? लोक मतलब होता है दुनिया, ठीक, संसार। संसार में फिर ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। अब देखो जरा, इमेजिन करो, एक अंधेरा कमरा है ठीक, अंधेरे कमरे में लाइट नहीं है, तो आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं देगा ठीक। लेकिन जैसे ही आपने इसमें माचिस की एक तीली जला दी तो आपको हर एक चीज दिखने लगेगी। तो जैसे ही आपको ज्ञान मिला तो ज्ञान से क्या है, चारों ओर उजाला हो गया, और उजाले से आप दुनिया को भी जगाने लगे।
व्योमतम पुंज हुआ तन्मस्त, मतलब व्योमतम पुंज का मतलब था चारों ओर फैला हुआ जो अंधकार था वो खत्म हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और पूरी की पूरी संस्कृति जो थी वो खिल उठी, चारों ओर जो दुख था वो खत्म हुआ, और सुख की वजह से चारों ओर लोग खुशियां मनाने लगे। देखो मान लो एक गलत फहमी भी इंसान को कितना नुकसान दे देती। गलत फहमी मतलब अज्ञानता, क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है। वैसे ही जैसे ही आपको ज्ञान पर समझ में आया, उस चीज की नॉलेज हुई, तो हर काम इजी हो जाता है, आपकी लाइफ इजी हो जाती है। इसलिए चारों ओर क्या होता है, उछाला हो गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पर सेकंड ये एक लाइन है, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत। इसमें किस भगवान का वर्णन है, किसके बारे में कहा गया था, बताओ। कोई एक भगवान है जिसने वीणा ली, कौन ली है बोलो। हाँ ऋषि का आप बोल सकते हो, बोलो। सरस्वती माता। हाँ बेटा, सरस्वती माता ने नारद भूमि में जन्म लिया, अपने कोमल कमल जैसे कोमल हाथों में क्या धारण की, बोलो बोलो, वीणा को धारण किया। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, अब सप्त सिंधु मतलब क्या था बोलो। सात समुद्र। वेरी गुड, गाना सुना, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वही वाला सात समुंदर। ठीक है, सात समुंदरों में सप्त स्वर, सात स्वरों को, सात स्वर रूपी ज्ञान को प्रकट किया। छिड़ा तब मधुर साम के, और अपने ज्ञान से साम वेद की रचना करके चारों ओर मधुर गीत को प्रकट किया। ये जो आप दुनिया भर के गाने वाने सुनते रहते हो ना, ये गाने तब तक नहीं आते अगर साम वेद ना होता। ठीक, तो वेदों का ज्ञान भी कहाँ से आया, इंडिया में से तो आया। सारे भगवान देवी देवताओं ने वेदों की रचना हमारे इंडिया से ही उत्पन्न होके की, तो कितना बड़ा और कितना महान देश है। बट आज के टाइम में आज की जनरेशन को इन चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा इस भारत महिमा का। ठीक है। अच्छा, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर थू। यहाँ पर दो धातुओं के बारे में बताया गया, क्या क्या है वो धातु। धातु मतलब, बोलिए बोलिए कुछ तो बोलिए। भिक्षुक होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर खूब। अब यहाँ पर भिक्षुक पद कौन बने थे बताओ, कौन बने थे भिक्षुक। भिक्षुक मतलब, मुझे आंसर चाहिए। द्विशा आप बोलो बेटा, त्रिशा। यस मिस। हाँ बेटा, यहाँ पे भिक्षु का मतलब क्या है, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते कर कर घूम, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाओ मुझे। बहुत टफ है क्या ये प्रोग्राम, क्या समझ नहीं आ रही, क्या बात है, मैं फिर से समझाऊँ। हाँ मिस। ओके, तो क्या क्या समझ नहीं आया, यही वाला पैराग्राफ सुन समझाओ। हाँ मिस। ओके तो बच्चों, किसी और को भी नहीं आया, सभी हाँ हाँ बोले। अच्छा, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर थू। यहाँ पर ये जो भारत भूमि है, यहाँ पर सदैव विजय तो रही है। विजय मतलब हम लोग हमेशा जीतते रहे हैं, लेकिन जीतते कैसे रहे हैं, लोहे से नहीं। लोहे मतलब शस्त्रों से नहीं, जो आप लड़ाइयां देखते हो, बाहुबली देखी थी ना, उसमें लड़ाई कैसे होती है, तलवार से और भालों से। ठीक, लेकिन हमारे इस भारत भूमि में शस्त्रों से लड़ाई कभी नहीं जीती गई, शास्त्रों से लड़ाइयां जीती गई। शास्त्रों मतलब पढ़ाई, विद्वानों ने आपस में एक दूसरे से बहस करके लड़ाइयां जीती गई हैं। तो ये भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां पर हमने शस्त्रों से विजय कभी भी नहीं जीती है। धर्म की रही धरा पर थू, यहाँ की भूमि पर हमेशा धर्म का प्रचार, हर तरफ धर्म की जय जयकार रही है। धर्म
अभी भी देख लो, कहीं राम राम होता है, कहीं कृष्ण कृष्ण होता है, कहीं अल्लाह होता है, कहीं जीसस क्राइस्ट चल रहे होते हैं। ठीक, तो हर कोई धर्म के साथ जुड़कर उसके में मग्न होकर रहता है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर खून। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये भारत भूमि तो इतनी महान भूमि है, यहाँ का जो सम्राट है, सम्राट मतलब जो राजा भी है, वो भिखारी बनकर हर घर में अपना ज्ञान बांटता रहता है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे कि गौतम बुद्ध भी, भगवान गौतम बुद्ध जो है वो सम्राट थे, ठीक, लेकिन उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर, जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, राजपाट छोड़कर भिखारी बनकर घर घर भिक्षा ली, भिखारी बनकर घर घर भीख मांगी, तपस्या की, ठीक, अपने अंदर ज्ञान की प्राप्ति की। और जैसे ही उनको ज्ञान आया, अपने अंदर के ज्ञान भाव से, दया के भाव से घर घर घूम कर उन्होंने उस ज्ञान को बांटा। क्लियर हुआ बेटा? बेटा यस कि परनित कौन है? परनित, ज्योतिका, अनम्यूट करो ज्योतिका। यस यस मैम ज्योतिका, यस मैम गोरी को दिया दया का दान, हु इज गोरी? किस गोरी का नाम लिया था मैंने? क्लास आप लोगों ने फोकस नहीं किया, बोलो। हाँ याद नहीं आ रहा हूँ कुछ अभी बोला था गोरी का मतलब। क्या कह रहे हो बेटा? समझाओ ना कुछ। हेलो, हेलो हेलो, मैंने यहाँ मोहम्मद गोरी का नाम लिया था। किसका नाम लिया था? क्लियर मोहम्मद गोरी। हुआ? यस मिस। ओके okay. और सिंहल मतलब क्या कहा था मैंने? सिंहल, सिंहल मतलब किसी को पता चला था? वो पद्मावती मूवी देखी थी आप लोगों ने? किसी ने देखी है पद्मावती मूवी? तो बोलो। पद्मावती नो मूवी मिस में, हाँ जी, कौन, उसमें भी सीहल वर्ड यूज किया गया कि सीहल जाकर मोती लेके आओ। ठीक, तो सीहल मतलब था श्रीलंका, उस समय श्रीलंका का नाम था सीहल और आज के टाइम में उसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? क्लास बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। और अगर क्लियर है तो मैं सबसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, बताओ। किसी का कुछ रह रहा है, कोई डाउट है तो अभी मुझे क्लियर बताओ फटाफट। बोलो, अंशिका बेटा, यस मिस हाँ बेटा, क्लियर है आपको पूरी पोयम? यस कुछ पूछ लूँ? यस अच्छा, ये क्या मतलब था? हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, क्या मतलब है इसका? मिस वापस रिपीट करिए प्लीज। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, इसका मतलब क्या है? किसी और को आता है इस बारे में? क्लास अगर आप कुछ आंसर नहीं दोगे तो मैं कैसे करूंगी, बताओ? थोड़ा तो आपको बोलना पड़ेगा ना।
बच्चों बोलो, अंशिका आपको कुछ तो समझ आया होगा। बेटा आया यस कि टीचर, नहीं आया ये बताओ। बोलो नहीं आया। अरे नो यार चुप रह के तो कुछ भी नहीं होगा ना क्लास में। नहीं आया तो बोल दो नहीं आया। बोलो बेटा। नो मिस, नहीं समझ, हाँ? ये लाइन नहीं समझे थे। अच्छा कौन सी लाइन समझी थी पहले ये बताओ मुझे। एक लाइन वचन में एक सत्य, हृदय हाँ में तेज, प्रतिज्ञा में रति थी टेव। हाँ तो ये समझाओ मुझे। चलो चलेगा बोलो। वचन मतलब शब्द, शब्द में हम कोई भी अगर वचन देते थे तो वो सत्य कर मतलब टूती रखते थे। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। प्रतिज्ञा में कभी भी आदत जो भी रहती थी वो तेज ही रहती थी। देखो हमारे संचय में ऐसा था। संचय मतलब प्लीज एक पेंसिल लेके बैठो और बुक के ऊपर जो जो वर्ड्स मैं बोलती हूँ उसके प्लीज छोटा सा एक उसमें हिंदी वर्ड लिख लिया करो। जैसे संचय मैंने बोला था इकट्ठा कर लो। हमारे संचय में था दान। अगर हम लोग कुछ इकट्ठा भी करते हैं धन इकट्ठा करते थे तो वो दान देने के लिए इकट्ठा करते थे। भारत भूमि में रहने वाला एक एक व्यक्ति अगर पैसे को इकट्ठा धन को इकट्ठा भी करता है तो वो दान देने के लिए इकट्ठा करता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो महावीर कर्ण भी दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते थे। अतिथि थे सदा हमारे देश। अतिथि मतलब होते मेहमान ठीक। और यहाँ भारत भूमि ऐसी भारत भूमि है जहां पर मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता था। अब आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो अतिथि देवो भवा। अतिथि भगवान मेहमान भगवान है ऐसे करके ब्रैकेट में लिख सकते हो ताकि जो आपका एग्जामिनर भी है वो आपको देखे कि यस बच्चे को इस चीज की नॉलेज है। ठीक अतिथि मतलब मेहमान भगवान के समान माना जाता है। यहाँ पे वचन में सत्य भारतवासियों के मन में जो वचन होते हैं वचन मतलब कहे गए एक एक वाक्य में सत्यता रहती है। सत्य हमेशा सच बोलते हैं। हृदय में तेज और उनका हृदय क्या है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से भरा रहता है। सच्ची बातों से पवित्र भावों से भरा रहता है। तेज युक्त रहते हैं। प्रतिज्ञा में रहती थी तेज और उनकी प्रतिज्ञा अटल रहती थी। तेज मतलब अटल रहना। उनकी प्रतिज्ञा को कोई बदल नहीं सकता था। आज मैंने कह दिया काला धन वापिस लेके आऊंगा तो काला धन वापिस लेके आना है ये प्रतिज्ञा थी। बट अटल कौन अटल है कौन अटल नहीं वो आपके ऊपर। लेकिन पहले के भारतीय क्या थे प्रतिज्ञा में हमेशा जो ठान लेते थे वो करके रहते थे। प्राण जाए पर वचन ना जाए ऐसी उनकी भावना रहती। अब क्लियर है बोलो। अंशिका अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो यस फटाफट टीचर, बताओ क्लियर अब क्लियर है। यस टीचर। अच्छा द्विशा द्विशा अनम्यूट करो। द्विशा द्विशा कोई और बताएगा लास्ट पैराग्राफ का आंसर। जॉयसन आप बताओ। जिए तो सदा इसी के लिए जिए। चलो बेटा आप बताओ। मैम निछावर का हाँ मीनिंग जो बताइए ना। किसका निछावर निछावर मतलब सब कुछ उसके ऊपर अर्पण कर देना। निछावर कर दे हम सर्वस्व। हम अपना सब कुछ उसके ऊपर अर्पण कर देते इस भारत भूमि के ऊपर अर्पण कर देते हैं। हमारा प्यारा भारत भूमि ये हमारा भारत भूमि ऐसी है जिसके ऊपर हम एक एक चीज निछावर कर दे। अब देखो ना सिंपल सी बात है।
बॉर्डर पर जाने वाले, सीमाओं पर तैनात रहने वाले जो सैनिक होते, छोटी छोटी एज के होते, ये नहीं कि बहुत मिच्योर होते हैं, कईयों की शादी नहीं होती, कईयों की शादी हो के फटाफट चले जाते हैं, ठीक, वो भी तो गोली खाने को तैयार है, बम के नीचे आने को तैयार है, ठीक, तो उनकी कोई लाइफ नहीं है, लेकिन इतनी लव भरा हुआ है उनके मन में, इतना प्यार भरा हुआ है अपनी के लिए कि वो सब कुछ छोड़ दे, अपनी जान से ज्यादा क्या कीमती है। अगर मैं आज आपको कुछ कह दूं, ठीक, तो भी आप करने में 100 बार सोचोगे, सोचोगे ना, लेकिन यहाँ पे तो जान की बाजी तक लगा देते हैं। तो अगर जिए तो हम सदा उसी के लिए, इस भारत भूमि के लिए जी, और हमारे मन में उसी के लिए अभिमान भी रहे, अभिमान मतलब गर्व रहे, और हमेशा ये खुशी रहे कि हम उसके ऊपर सब कुछ अपना न्यौछावर कर दे, यही हमारा प्यारा भारत देश। अब क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। दर्शन, यस मैम। अनम्यूट करो बेटा। यस किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी जन्मभूमि थी यही। हाँ, इसको जरा समझाओगे दर्शन? हेलो। हाँ जरा ये बेटा आप समझाओ, किसी का हमने छीना नहीं वाली बात। किसी का हमने छीना नहीं, मतलब चलो, मेरे ख्याल से अभी तक आप बच्चों को इतना नहीं पता कि, अब मैं क्लियर कर देती हूँ, पहले मैं आपको अच्छे से अच्छे तरह से समझाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद आपसे एक एक क्वेश्चन पूछ पूछ के उसके बारे में मैं सुनना चाहूंगी, भी आपने मेरा लेक्चर बड़े हल्के में ले लिया ना। चलो अनम्यूट करो सभी के सभी, अंशिका, रीशा, सब अनम्यूट करो। रीशा, ज्योतिका, अनम्यूट करो सभी क्लास, ऋषिका अनम्यूट यस करो, ठीक है, यस अंशिका आपने नहीं किया, दर्शन आपने भी अनम्यूट नहीं किया, करो करो करो, जॉयसन तो लेफ्ट हो गए शायद। ओके, आप लोगों ने बहुत हल्के में ले ली क्या क्लास है? नहीं फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आना? और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, देखो मैं आपको पूरे अच्छी तरह से एक एक बात समझाने वाली हूँ, एक एक लाइन समझाने वाली हूँ, बट उसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन पूछ पूछ के आपसे उसका मीनिंग जानना चाहूंगी, ठीक, आपको पढ़ाने के लिए मैंने खुद 4 दिन से पढ़ाई की है, तो मतलब मुझे तो आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो क्लास, यस चाहिए चाहिए ना ज्योतिका? यस मिस्टर जॉयसन, यस बोलो भाई, ऋषा, दर्शन, आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे बताओ। यस यस मिस यस यस चाहिए ना, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे लग रहा है इस मतलब पोयम में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, या मैं फिर से समझा दूं पूरी पोयम? आगे से देखो पूरी क्लास, ध्यान रखो, एक पेंसिल लेके बैठो, स्ट्रेट होके बैठो, मुझे लग रहा सब तफरी काट रहे थे आप, हाँ मजे मजे में कि मैडम आएंगी पढ़ा के चल देंगी हो जाएगा, मैं एक एक आंसर पूछने वाली, मुझे आंसर चाहिए, और जिससे पूछूंगी उसी से चाहिए, आगे से आंसर दोगे आप लोग? यस अभी भी ढंग से आवाज नहीं आ रही, मतलब खाया पिया सोए हुए वाले लग रहे हो क्या, फ्रेश नहीं हो आप लोग, सबको नींद आ रही नो है? हाँ ज्योतिका, अनम्यूट किया मैम, आपने? यस मैम। मैम अनम्यूट नहीं होना है, जब मैंने पूछा तो मुझे आंसर चाहिए ना। वो आवाज यस आ रही थी टीचर। ना बैकग्राउंड से, मैं हाँ आवाज का क्या हुआ? बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी, इसके लिए किया था, सॉरी म्यूट किया था। ओके, अब देखो सभी अनम्यूट करो, मैं फटाफट जितने जल्दी हो सकता है समझा, रेडी हो? यस यस टीचर। ओके, यस
ध्यान से सुनना और आंखें खोलो अपनी, क्योंकि मैं आंसर फिर से पूछूंगी, और आज आंसर नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आंसर ही पूछूंगी, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ओके। हिमालय के यस आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हर्ष अभिनंदन किया और पहनाया हीरा था। हिमालय जो भारत भूमि के आंगन के समान है, जब सुबह सूर्य उदय होता है तो उसकी पड़ने वाली किरणें ऐसा लगता है कि हिमालय को अपना उपहार दे रही है, सूर्य अपनी किरणों से हिमालय को उपहार यानी कि एक भेंट प्रदान कर रहा है, एक तोहफा प्रदान कर रहा है। उषा ने हर्ष अभिनंदन किया और पहनाया हीरा था। सूर्य की किरणें जब चारों ओर हिमालय पर फैल जाती है तो ऐसा लगता है कि उषा, उषा मतलब सूरज की जो किरणें हैं, उसने अपनी चारों ओर हंसी फैला दी। आप जरा आईज क्लोज करके जरा इमेजिन करो, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर चारों ओर बर्फ गिरी हुई है, ठीक, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चारों ओर क्या होती है, बर्फ के ऊपर शाइन आ जाती है। तो वैसे ही सूरज की किरणों ने अपनी हंसी जो है चारों ओर हिमालय की बर्फ के ऊपर बिखेर दी है और पहनाया हीरा खास। और ऐसा लगता है जब ओस की या बर्फ की जो बूंदे हैं या बर्फ जो है धीरे धीरे जब सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है और वो चमकने लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि हिमालय को ऊपर हीरो का हार पहना दिया गया। जगे हम लगे जागने, विश्व लोक में फैला फिर आलो। सबसे पहले भारत भूमि पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये वेद उपनिषद सब भारत भूमि पे बने, तो हम लोगों को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान को लेकर लगे जगाने विश्व, फिर हम विश्व की ओर चले गए और हर जगह फैल फैल कर हमने अपने ज्ञान प्रदान करके विश्व को जगाने लग गए। लोक में फैला फिर आलोक, और लोक मतलब दुनिया में चारों ओर फिर ज्ञान फैलने लगा। व्योमतम पुंज हुआ तब न, तब जो अज्ञान का, अज्ञान मतलब तो अज्ञान होता है, मतलब अज्ञान, उस ज्ञान से जब लोक में हमने ज्ञान फैलाया, उस ज्ञान से चारों ओर फैला हुआ अज्ञान नष्ट हो गया और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और चारों ओर जो दुनिया थी वो शोक से निकलकर खिल उठी, मतलब दुख से निकलकर खिल उठी। इस भारत भूमि में ही विमल वाणी ने वीणा ली, माँ सरस्वती ने अपने कोमल कमल जैसे कोमल कर मतलब होता है हाथ, हाथों में वीणा को ग्रहण किया, और सात समुद्रों जैसे सात समुद्र में सब स्वरों को फैलाकर, सात समुद्रों में सातों स्वरों को फैलाकर साम वेद की रचना की। मधुर साम संगीत, मधुर मतलब मीठे साम संगीत को फैलाया, चारों ओर मीठा संगीत फैलाया। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर। ये भारत भूमि ऐसी है जहां पर लोहे से नहीं जीता गया, मतलब शत्रुओं के बल पर हमने कोई लड़ाई नहीं जीती, यहाँ पर हमने प्रेम से ही हर इंसान को जीतने की कोशिश की है। धरा मतलब होता है धरती, इस धरती पर चारों ओर धर्म की भूमिका रही है, चारों ओर धर्म की जय जयकार रही है। भिक्षुक होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते कर्तव्य, यहाँ के सम्राट भी ज्ञान प्राप्ति के लिए भिखारी बनकर जगह जगह घर में घरों घरों में घूमकर ज्ञान को प्राप्त प्रदान करते रहे। गौरी को दिया दान, दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, छील को सिंहल को भी सिद्ध। गौरी मतलब मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी को भी ये भारत भूमि ने दया का दान दे दिया, मतलब दया दिखाकर उसको भी छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया। और यही भारत भूमि ऐसी है जो हमारे शत्रु रूपी चीन देश को भी धर्म की राह पर ले गई। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंहल को भी सिद्ध। ऐसी ये भारत भूमि है जहाँ पर स्वर्ण रूपी ज्ञान, स्वर्ण मतलब सोने जैसा ज्ञान भी इस भूमि को प्राप्त हुआ, और इस सोने जैसे ज्ञान देव को भी इन्होंने सिर्फ अपने पास ना रखकर चारों ओर फैला दिया। सीहल मतलब श्रीलंका तक भी इस ज्ञान को पहुंचा
काटा गया, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी जन्मभूमि की, यही किसी से हम कहीं से हम आए नहीं, जो कुछ भी इस भारत भूमि को प्राप्त है वो सब हमने अपनी तरफ से प्राप्त किया है, किसी से छीन के प्राप्त नहीं किया, प्रकृति का रहा पालना, ये प्रकृति मतलब नेचर की सबसे बढ़िया जगह ये ऐसी है भारत भूमि, जहाँ प्रकृति ने अपना हर एक उपहार दे रखा है। देखो कई देश ऐसे हैं जहाँ पर खाने को अन्न नहीं मिलता, कई देश ऐसे जहाँ पर खेती नहीं होती, कई देश ऐसे जहाँ पर नदियां नहीं है, कई देश ऐसे जहाँ पर सिर्फ पानी पानी है, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या नदी भी है, पानी भी है, हर फसल भी होती है, तो प्रकृति ने यहाँ पर हर टाइप का उपहार दे रखा है, हमारी जन्मभूमि की यही, हमने यहीं पर जन्म लिया है, यही हमारी जन्मभूमि रही है, हम कहीं से नहीं है, हम ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं और विदेशों से नहीं आए, हम यहीं पर जन्मे थे और यहीं के होकर रहे हैं, चरित्र थे कूट पूजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके, चरित्र में थे कूट, ये जो भारत भूमि में जन्मने वाले प्राचीन योद्धा थे, प्राचीन लोग थे, वो सब चरित्रवान थे, वो पूत पूत मतलब थे बेटे, वो जो भारत भूमि के बेटे हैं वो सब चरित्रवान है, उनकी भुजाओं में हमेशा शक्ति, भुजाओं मतलब हाथों में हमेशा हर कार्य को करने की शक्ति है, लेकिन इतनी शक्ति होने के बाद भी नम्रता सदा रही संपन्न, मतलब नम्रता जो है सॉफ्ट हार्डनेस, दया, दूसरे के प्रति प्रेम भाव जो है वो उनके हृदय में सदैव रहता है, हृदय के गौरव में था गर्व, और उनके हृदय में सदैव गौरव है, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने भारत भूमि के लिए हमेशा गर्व है, किसी को देख ना सके, और किसी को ऐसे महान योद्धा होने के बाद भी किसी को दुखी नहीं देख सकते, हमारे संचय में था भारत भूमि में जन्मे हर एक व्यक्ति, संचय मतलब यदि कुछ इकट्ठा भी करता तो दान देने के लिए, किसी की जिंदगी को खुशहाल करने के लिए इकट्ठा करता, ठीक, अतिथि थे सदा हमारे देश, और घर आने वाला मेहमान भी हमारे लिए भगवान के समान रहा रहता था, वचन में सत्य, जो वचन मुख से निकाल दिया, मुंह से निकाला हुआ एक एक शब्द सत्य से भरा हुआ था, हृदय में प्रेम की तेज की भावना थी, हमेशा ज्ञान की भावना थी, प्रतिज्ञा में रहती थी तेज, और प्रतिज्ञा जो भी ग्रहण की वो हमेशा अटल रही, जो प्रतिज्ञा करी उस प्रतिज्ञा के प्रति हम अटल रहते थे, ऐसे भारत भूमि में जन्म वाले भारत के लोग थे, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, मतलब ये कह रहे हैं कि वही रक्त है जो प्राचीन भारत के जन्मने वाले लोगों का रक्त था, मतलब जो खून उनकी भुजाओं में दौड़ता था, जो खून उनके अंदर था वही खून हमारे अंदर आज भी, ठीक, वही देश जैसे उनको प्यारा था वैसे ही ये देश आज हमको भी प्यारा है, जैसे प्राचीन लोगों के अंदर साहस था, हिम्मत थी, वैसा ही साहस हिम्मत आज भी हमारे अंदर है, वही ज्ञान जैसा उनको प्राप्त था वही ज्ञान हमें प्राप्त है, जैसी शांति वो लोग चाहते थे वैसे ही आज के हम भारतीय भी शांति चाहते हैं, जैसी शक्ति उनके हृदय में थी वैसे ही आज भी हमारे हृदय में शक्ति है, ठीक, वही हम दिव्य आर्य संतान, वैसे ही हम पुराने आर्य की संतान हैं, जिए तो जो सदा इसी के लिए, अब हम जिए, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, यदि हम जिए तो सिर्फ इसी एक बात को सोच के जिए कि इस भारत भूमि को कैसे खुशहाल रखे, कैसे इसके लिए हम अपना सब कुछ करें, हमारे अंदर यदि अभिमान है गर्व है तो इस भारत भूमि के लिए गर्व है, निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर मतलब अपना सब कुछ इसके ऊपर अर्पण कर दे, इस देश के ऊपर अर्पण कर दे, ये हमारा भारत, अब बता समझ में आया, बोलो ज्योतिका, यस मिस, पूछ यस मिस, लू, कुछ पूछू, मतलब यस मिस, हालत खराब हो जाती पूछने के नाम पे है, बोलो, यस मिस, अच्छा पूरी पोयम में से कोई भी जगह,
अपना एक एक पैराग्राफ छाट लो और मैं जैसे नाम लेती जाऊंगी फटाफट मुझे आंसर दो। जो पैराग्राफ आपको जल्दी समझ में आ रहा है फटाफट मुझे उसका आंसर चाहिए। मैं फर्स्ट नेम ले रही हूँ, हाँ आकांक्षा, चलो कोई भी एक पैराग्राफ का आंसर अपने आप दे दो फटाफट। आकांक्षा अंशिका, यस मिस। हाँ बेटा कोई भी पूरी पोयम में से एक पैराग्राफ का मुझे आंसर चाहिए। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति ओके का रहा पालन, यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। गुड गुड, मतलब हाँ हमने किसी का कुछ भी सामान या फिर कुछ छीना नहीं है, प्रकृति का पालन किया है, हमारी जन्मभूमि यही है, हम कहीं से आए नहीं है। अच्छा प्रकृति का पालन यही है? नहीं, प्रकृति ने इस भारत भूमि को सॉरी इस तरह सॉरी, से पाला है जैसे कि बच्चे को पाला जाए। तो आप ये लिख सकते हो जैसे एक माँ अपना सब कुछ अच्छा बच्चे को समर्पण करती है, सब कुछ देती है, वैसे प्रकृति ने हमें सारी संसाधन प्रदान की। प्रकृति ने हमें सब कुछ वो दिया जो जो हमें चाहिए था, तो प्रकृति ने हमें पाला। ठीक है, क्लियर है? यस यस ओके थैंक यू सो मच अंशिका। अच्छा दर्शन बेटा एक पैराग्राफ आपको यस पढ़ना, बताओ कौन सा? यस मिस। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। मतलब वही है रक्त, वही है देश, मतलब जो हमारे पूरे देश के अंदर, सभी के अंदर हमारे देश का ही रक्त है, और वही साहस है, वही है ज्ञान, वही है शांति। मतलब हमें भी वैसी शांति और शक्ति चाहिए, और वही हम दिव्य आर्य संतान। मतलब क्लियर कर देती हूँ, फिर से ध्यान से देखो दर्शक। जैसे कि माँ बाप है, ठीक, माँ बाप जब एक संतान उत्पन्न करते हैं तो बच्चों में माँ बाप की हरकतें आती हैं कि नहीं आती हैं? आती हैं, अनम्यूट करो। है यस जैसे कई लोग कहते हैं ना ये तो बुआ पे गया हुआ है, ठीक, ये तो अपने मामा जैसी हरकतें करता है, ये तो अपने पापा जैसे हरकतें करता है, या मम्मी जैसे गुस्सा करता है, सेम सेम सेम। आती है ना बातें, आती है कि नहीं आती है? ठीक, यस यहाँ पे कह रहे वही है दर्द, मतलब जो प्राचीन लोग थे, जो पुराने भारत में रहने वाले लोग, ठीक, उन्हीं के तो बच्चे हम लोग हैं। ठीक, आपके जो दादा दादी थे उनके ऊपर दादा दादी थे, उनके ऊपर जो थे वो भी तो भारत में ही थे ना। ठीक, उनका खून किनके रगों में? आपकी रगों में है कि नहीं है? क्लियर यस हुआ? ठीक, तो कह रहे वही है रक्त, जो भारत भूमि में रहने वाले प्राचीन लोग थे उन्हीं का खून आज हमारे शरीर में दौड़ रहा है। उनके लिए जैसा वो देश प्यारा था, भारत भूमि प्यारी थी, वैसा ही आज हमारे लिए भी देश प्यारा है। जैसा साहस, जैसा हिम्मत उनके अंदर थी भारत के लिए, वैसा ही साहस, वैसी हिम्मत हमारे अंदर भी इस देश के लिए है। जैसा ज्ञान, जैसी शांति वो अपने देश के लिए चाहते थे, वैसी शांति आज हम भी चाहते हैं। जैसी शक्ति उनको प्राप्ति, वही शक्ति आज हमारे हृदय में भी है। हम भी उस दिव्य आर्यों की ही संतान है। ठीक है, क्लियर है दर्शन? क्लियर है यस बेटा? ओके थैंक यू सो मच। दिविशा, ज्योतिका आप बताओ, ज्योतिका अनम्यूट करो। यस मैम, गुड बेटी, बताओ कौन सा पैराग्राफ आप पढ़ोगे? हाँ फर्स्ट वाला। बोलो। सूर्य किरणों ने उपहार दिया हिमालय के आंगनों को, और सूर्य ने उन्हें अभिनंदन किया। हम सब हस मैम उसे क्या बोलते हैं? अभिनंदन किया, और
पहनाया हीरो का हार, और उन्होंने हिमालय को हीरो का हार पहनाया। ओके ठीक है चलेगा। और कौन है? ऋषि का यस मिस। बेटा बताओ आप कौन सा पढ़ोगे? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर दुमिये वाला। ओके ओके पढ़ो बेटा। इसका इस दो लाइन का मतलब है कि हमारे देश ने कभी वेपन्स शत्रु को यूज करके जीत नहीं, मतलब ऐसे जीता है। धर्म धर्म से हमने ऐसे धरती पर धूम मचाई, मतलब धूम नहीं, जीते हैं धर्म के वजह से। और भिक्षु होकर हम लोग मतलब स्वार्थ होकर सब घर घर मतलब सब में दया दिखाते हैं, ऐसे कुछ। फिर देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा है बेटा। फिर से देखो, ये जो भारत भूमि है, यहाँ पर विजय मतलब जीत, कि हमने अगर किसी को जीता है तो वो लोहे से नहीं जीता, मतलब वेपन्स। यस एग्जैक्टली यही वर्ड है, वेपन्स। मतलब शत्रुओं से कभी हमने नहीं जीता, हमने लोगों के दिलों को जीता। ठीक है, धर्म से लोगों को जीता है, ना कि हर किसी को मार पिटाई करके जीत लिया हो। ठीक, धर्म की रही धरा पर तुम, धरा मतलब होता है धरती। ये भारत भूमि ऐसी है, भारत भी तो एक धरती है ना, ये भारत की धरती ऐसी है जहां पर हमेशा धर्म की धूम रही है। धूम मतलब धर्म की जय जयकार रही है। ठीक है, अब देखो व्याख्या का मतलब क्या होता है, जो वर्ड्स है, जो पोयम के वर्ड्स है, उनकी जगह हम दूसरा वर्ड यूज करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह रहे हो धर्म की धरा पर धूम रह रही है, ठीक, तो आप तो यही उठा के दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर धरा मतलब होता है धरती, ये भारत की धरती ऐसी है जहाँ पर धर्म के नाम की धूम मतलब होता है जय जयकार रही है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, यहाँ के सम्राट मतलब हो गया राजा महाराजा, भी भिखारियों की तरह जीवन जीते हैं। भिखारी मतलब जो हमारे गौतम बुद्ध के बारे में कुछ ही ने सुना है, गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध एक सम्राट के बेटे थे, विदिशा नामक नगरी में रहते थे। ठीक, राजा का इकलौता बेटा था, लेकिन एक समय के बाद उसे एहसास होने लगा कि मैं क्यों राजा बन के जी रहा हूँ, जबकि यहाँ पर तो हर चीज नश्वर है, हर चीज खत्म हो जाएगी। मैं अमीर हूं तो कभी अमीर नहीं रहूंगा, मैं यंग हूं तो मैं यंग ही नहीं रहूंगा, मैं स्मॉल बॉय था, छोटा सा बच्चा था, तो मैं बचपना नहीं रहा, तो मैं एक दिन बूढ़ा होकर मैं भी मर जाऊंगा। जब उसको ये एहसास हुआ तो वो एक दिन अपने बीवी बच्चों दोनों को छोड़कर घर से बाहर आ गए, राजमहल से। ठीक, और उसके बाद वापस कभी नहीं गए। यहाँ भारत में आकर ठीक इन्होंने भिखारियों की तरह पहले भीख मांगी, फिर एक जगह जाकर तपस्या की, और तपस्या कर कर भगवान महात्मा बुद्ध बन गए। उनका नाम तो सुना है कि नहीं सुना? हाँ बोलो, भगवान भगवान बुद्ध के बारे में तो जानते होगे ना। तो यहाँ पे हाँ कह रहे सम्राट, जो सम्राट भी हैं, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, ज्ञान प्राप्त होते ही भिखारियों की तरह रहते हैं, सम्राट नहीं बन के रहते, राजा बनकर नहीं रहते, और अपने मन के अंदर दया होते हुए वो सब पर घर घर जाकर घूम घूम कर ज्ञान को बांटते हैं। किसको बांटते हैं बेटा? ज्ञान ज्ञान को को। बांटते। ठीक है, क्लियर है आपको? कोई हाँ मिस सॉरी। बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बट ये ध्यान रहो कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं पहले डीपली जाकर आपको एक एक बात समझाऊंगी, और उसके बाद नहीं समझ में आया फिर समझाऊंगी, लेकिन मुझे आंसर क्लियर चाहिए। अब वो जॉयसन कौन है भाई? कोई बच्चे बस इतनी रह गए या लफ कर ली सबने? हो गया सबका? सब लीव कर दिए जब आपने सबको पूछना चालू किया। ओके, अच्छा पूछना चालू किया तो लीव कर मैम दिए।
मैं विद्या बोल। हाँ जी मैम, मैम विद्या मैम। एक्चुअली ये बच्चों का अभी 45 का सेकंड लेक्चर है, टाइम हो ओके गया है तो लगभग 37 हो गए। ओके ओके चलो ठीक है फिर, तो लीव करूँ मैं। चलेगा। ओके चलो थैंक यू होमवर्क मैम, दे देना, थैंक यू। होमवर्क मुझे व्हाट्सएप करना, फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगी होमवर्क। होमवर्क बस ये पोयम को या मतलब मुझे तो और चाहिए इन सबका पोयम का। ओके चलेगा मैं व्हाट्सएप करती हूँ आपको, ठीक है थैंक हाँ यू हाँ मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके चलो क्लास बाय, फिर मिलते हैं ठीक है।